सो हेलो गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा लोगों का कमेंट आ रहा था, जो उनका डब्बा है, डब्बा सॉरी मतलब पीसी है, पीसी वो उनका इतना हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है कि वो कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखो मेरा भी ये लैपटॉप है, बिल्कुल ऐसा ही लैपटॉप है। अब इसके नीचे आप एक चीज देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं कूलिंग पैड, ठीक है। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या होता है, लेकिन पहले आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। दो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा आज। एक तो आप जब गेमिंग करते हो तब आपका लैपटॉप हीट होता है, और एक दूसरा आपका आप नॉर्मली चलाते हो तब हीट होता है। तो और इसका एक एक्सटर्नल भी बताऊंगा और एक इंटरनल भी बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ मेरे लैपटॉप की, तो लैपटॉप हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कूलिंग पैड से क्या कूल रहता है या नहीं रहता। अब देखो ये है मेरा टेक्नी का कुछ ऐसा करके कूलिंग पैड है, जो कि मेरे को 550 रुपये का पड़ा था, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ, और इसमें एक बात यह भी है कि इसमें एक स्टैंड भी है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ स्टैंड भी है जिससे आप इसको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो भाई मक्खी है यार यहाँ पे, देखो क्या बोलते इसको, कीड़े बड़े साफ ही नहीं करता भाई मैं, ठीक है। चलो ये ठीक है, ये ऐसा करके ठीक है, ये स्टैंड वाला है मेरा पास। इसका कूलिंग पैड नॉर्मल बिना स्टैंड वाला भी आता है, बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन मैं आपको चलो इसका बता देता हूँ कि इससे कूल होता है या नहीं होता है। तो देखो भाई पहला है कि ये आपका चलेगा कुछ इतनी स्पीड में, रुको मैं बता देता हूँ इसको कनेक्ट करके। इसके साथ आपको दो कुछ इस प्रकार की केबल मिलती है, ठीक है, दोनों तरफ राजा बाबू केबल मिलती है, ठीक है, मतलब एक जैसी मिलती है। इसको दो, देखो मेरे इसमें दो है, किसी किसी के इसमें एक ही पोर्ट आता है यहाँ पे, जिसमें एक ही लग जाता है। मेरे इसमें दो ऐसे पोर्ट है USB के, जिससे हम इसको अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। अभी यार ये प्रॉब्लम दे रहा है भाई, इसको मैंने बांध दिया था ना, इसको छोड़ देने दो थोड़ा सा। ये क्या है, थोड़ी ज़्यादा लंबी पड़ती है ना, इसलिए मैं इसको बांध देता हूँ। अभी देखो मैंने इसमें लगाया है मेरे चार्जर में, और अब देखो चल दिया गाइस, ठीक है, RGB चल दी है। अब देखो ये ऐसा है, इसमें हवा आ रही है, देखो यहाँ तक आ रही है, डाउन फ्लो है, मतलब इसका फ्लो थोड़ा सा नीचे है, तो इसमें ऐसे नीचे तरफ हवा आ रही है, यहाँ पर भी हवा आ रही है मेरे को थोड़ी नीचे की तरफ, ठीक है। अभी ये देख सकते हो, ये मेरा टोटल कूलिंग पैड है, इतना बड़ा है, इतनी साइज है, और मेरा लैपटॉप भी थोड़ा 14 इंच का लैपटॉप है, तो उस पर ये फिट हो जाता है, ठीक है, बड़े लैपटॉप के लिए बड़ा अच्छीगा। अब ये देख लो, इस प्रकार का कूलिंग पैड है मेरा, ठीक है, नीचे से ऐसा कुछ RGB चलती है, रात में बहुत कूल लगता है, लेकिन अब तो ना लैपटॉप इसके ऊपर रखा जाता है, तो कुछ भी RGB वगैरह दिखती नहीं है, सिर्फ RGB का पैसा बिगाड़ना है। अब देखो जनरली होता क्या, आप अगर मेरे जैसे सेटअप पे रह रहे हो, ठीक है, तो उसमें यह कूलिंग पैड भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप मेरे पास देखो, यहाँ पर पंखा वंखा है नहीं मेरे पास, और अब मैं रहता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ मेरे पास पंखा नहीं है, और ऊपर है, और ऊपर यहाँ पर कुछ मतलब नीचे 4 मंजिल ऊपर में रहता हूँ, 3 से 4 मंजिल ऊपर की तरफ, तो आप उस जगह पे इतनी हॉट गर्मी में खेल रहे हो, तो आपका लैपटॉप साधारण हीट होगा। और अगर आप इस कूलिंग पैड को यूज़ करते हो उस टाइम पे, तो आपको एक थोड़ा सा हाँ ऐसा है कि इसको कंटिन्यूसली चला के रखना, और इसको ना ज़्यादातर अगर आपके पास लेते हो आप कूलिंग पैड, तो इसको चार्जर पे लगा कर ही यूज़ करना, आपके लैपटॉप की बैटरी से मत यूज़ करना। देखो लैपटॉप की बैटरी ज़्यादा तो नहीं चाटता ही है, लेकिन फिर भी अगर आपके लैपटॉप की बैटरी को कंज्यूम करेगा तो उसकी हीट बढ़ाएगा, इसलिए आप अगर एक्सटर्नल चार्जर है तो उससे आप कुछ इस प्रकार से इसको चलाना, अगर आपको लाना है कूलिंग पैड तो। और इसकी प्राइस थी मेरे को 550 रुपये के आसपास। तो ये तो हो गए हमारे लैपटॉप की हीट की बात। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम इस लैपटॉप से मतलब लैपटॉप के कूलिंग पैड से ही हमको खुद को हवा कर ले, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, बहुत कम हवा देता है और इसी के पास ही हवा देता है। लेकिन हाँ ये ठंड करने में मतलब ठंडा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है इसको। अब देखो जितना महंगा लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, इसमें सिर्फ 2 फैन है तो उसके हिसाब से ये करता है, 1 फैन वाला और भी कम करता होगा, लेकिन जो हमारे लैपटॉप को कूल करता है, तो भाई ये कूल तो करता है 101% करता है, लेकिन पूरा ऐसा भी नहीं कि ठंडा करता है भाई बिल्कुल फ्रिज में से निकाल के आए हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ आपको ऐसा महसूस करा देगा कि आपका लैपटॉप ओवर हीट हो रहा था तो उसको कम कर देगा, या फिर आप इसको कंटिन्यूसली लगातार चला कर भी रखोगे ना, जैसे आप आपके गेमिंग वेमिंग कर रहे हो और फिर भी आप इसको कंटिन्यूसली नीचे चला कर रख रहे हो, तो भी आपका लैपटॉप हीट होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हीट नहीं होगा। अभी मेरा लैपटॉप है ना पिछले 1.5-2 घंटे से बिल्कुल बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं इसके ऊपर ऐसा हाथ रखता हूँ तो मेरे को एक अलग से थोड़ा थोड़ा गर्म फील होता है। तो मेनली 3 चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो आप कूलिंग पैड ले लो, एक या फिर आपके लैपटॉप के आसपास कुछ इस प्रकार का एनवायरनमेंट बना दो जिससे ठंडा रहे, मतलब कि आसपास कुछ भी ठंडक वाली चीज़ रख दो जिससे आसपास ठंडा फील होता रहे, या फिर आप जैसे मेरे इसमें तो पंखा भी नहीं है मेरे रूम में, तो अगर आपकी इसमें नहीं है तो हीट तो होगा, वो थोड़ी देर आप वेट कर करके चलाओ। और एक और इंटरनल चीज़ है, चलो मैं आपको इंटरनल चीज़ भी बता देता हूँ कि इंटरनल चीज़ में आपको क्या करना है जिससे आपका लैपटॉप हीट कम हो। कल दोपहर में देख रहा था IPL, लेकिन IPL देखने के बाद भाई जो मेरा हाल हुआ ना मेरे लैपटॉप का, मैंने मतलब बहुत दूर से देख रहा था, मैं जब मैंने मेरे लैपटॉप के पास में जाके देखा तो भाई बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था। तो मैंने तुरंत ही एक काम किया, मैंने मेरे सर्च बार में गया और मैंने यहाँ पर लिखा पावर प्लान, और यहाँ पर पावर प्लान में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एडिट अ पावर प्लान और चूज अ पावर प्लान। तो आपको चूज अ पावर प्लान पर एक बार क्लिक करना है, इसके बाद आप जैसे ही अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो एक आपने हाई गेमिंग बनाया हुआ था, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हाई गेमिंग क्यों, यानी कि आपके परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको हाई गेमिंग पे से हटा के बैलेंस पे कर लेना है।
आपकी परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी कम हो जाएगी आपके लैपटॉप की, आप अगर गेम खेलोगे तो लेग होना लग जाएगा, लेकिन इससे आपका नॉर्मल टास्क करोगे डेली टास्क में तो आपका लैपटॉप हीट नहीं होगा। या फिर आप एक और तरीका कर सकते हो, आप जब गेम खेलो तब आप आपका हाई गेमिंग कर लो, और फिर उसके बाद जब आप नॉर्मली आपके लैपटॉप को चलाओ तब आप उसको डेली करके चला सकते हो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था, अगर आपका पीसी लेग होता है तो मैंने बताया था आपको चार्ज पे लगाकर आपको गेम खेलना, लेकिन अगर आपका हीट होता है तो आपको चार्ज पे लगाकर गेम खेलना, क्योंकि चार्ज पे लगाने से और भी ज्यादा हीट होता है। अगर आपके घर में एक टेबल पंखा हो तो आप एक और काम कर सकते हो कि आपका टेबल पंखा का थोड़ा सा मुंह आपके लैपटॉप की तरफ भी कर दो, ताकि आपके लैपटॉप पे भी थोड़ी बहुत हवा आए, उससे भी आपको हीट करने पे मतलब ओवर हीट होने से बचा लेगा। लेकिन आप याद रखना, आपको अंडे की ट्रे मतलब कुछ भी जो कूल फिट नहीं हो सकते तो उसको एक ऐसा एयर फ्लो के बेस पे रखना है जिसमें हवा इधर से उधर जाती रहे। फिलहाल आज के नंबर से मैं अपना इंटरेस्ट के लिए बोला है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग।